कैसे हैं आप सब फ्रेंड। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर व कमेंट करें और मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्वीट कॉर्न और चीज के क्रोकेट्स, पार्टी स्पेशल। किसी भी पार्टी के लिए हम झटपट बना सकते हैं। ये आवाज आ रही है ना, कितने कुरकुरे हैं बाहर से और ये देखिए अंदर से एकदम चीज से भरे हुए सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे क्रोकेट्स बन करके और तैयार होते हैं और सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस तरह के टेस्टी क्रोकेट्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक कप हमने यहाँ उबली हुई स्वीट कॉर्न ले ली है। सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न को पीस लेंगे। स्वीट कॉर्न एक जार में डालेंगे और बारीक पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्वीट कॉर्न को हमने बारीक पीस लिया है, पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में एक टेबल स्पून मक्खन डालेंगे। मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें दो पिंच हींग डालेंगे, दो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और एक प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ फाइनली चॉप कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और प्याज को हम हल्की गुलाबी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। एक छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। एक मिनट इस तरह से हिलाते हुए अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें एक टेबल स्पून मैदा डालेंगे और मैदा को भी एक मिनट इस तरह से हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए, एक मिनट हमने मैदा को भून लिया है और अब हम इसमें ये जो कॉर्न हमने पीस के पेस्ट तैयार किया है ये डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम एक कप दूध ले लेंगे। इसको हम जार में डाल के अच्छे से साफ करके और फिर एक कप दूध डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेंगे। एक कप दूध डालने के बाद साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार काली मिर्ची डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मक्की का हमारा पेस्ट गाढ़ा हो गया है और अब हम इसमें आधा कप कद्दूकस किया हुआ चीज डालेंगे और चीज को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे और मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मक्खी का मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे और एक डो जैसा तैयार करेंगे। आधा कप हमने यहाँ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ब्रेड को पीस के ले लेंगे। हरा धनिया भी डालेंगे एक दो टेबल स्पून और इस तरह से एक डो की तरह तैयार करेंगे। अगर ब्रेड क्रम्स आपको कम लगे तो थोड़ा और डाल लेंगे हम। ये फ्रेंड्स, हम इसमें दो टेबल स्पून जितना ब्रेड क्रम्स और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डो की तरह टाइट इकट्ठा हो गया है और अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम एक बाउल में दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गोल तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने दो टेबल स्पून जितना ही पानी डाला है, दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में, और इस तरह का एकदम गाढ़ा गोल बना के तैयार कर लिया है। अब हम इस गोल को साइड में रख लेंगे। हाथ पे इस तरह से थोड़ा घी या तेल लगा लेंगे और इस तरह से जिस आकार के जिस साइज के हमें बनाने हो इस तरह से हम बना करके छोटे छोटे छोटी छोटी वन बाइट्स बनानी है हमें। इस तरह से छोटे छोटे बना करके और तैयार करेंगे। इस तरह से बना करके हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह से फटाफट हम छोटी छोटी वन बाइट चौकोर क्यूब में, आयताकार में या बना लेंगे। तरह से सारी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे क्रोकेट्स बना करके तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। तेल को मीडियम गरम करना है और गैस की फ्लेम को भी मीडियम टू लो रखेंगे। और जो घोल हमने बना के तैयार किया है उसमें कॉर्नफ्लोर नीचे जम जाता है, रख देते हैं, तो इस तरह से अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में ये क्रोकेट्स को इस तरह से सिर्फ घोल में हल्का सा डिप करना है और डाल लेना है। एक बार में कढ़ाई में जितने आ जाएंगे उतने डाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट में ये हमारी क्रोकेट्स फ्राई होके तैयार हो गए हैं। जो हमने चीज डाला है वो किस तरह से व्हाइट व्हाइट जगह जगह से जैसे जैसे मेल्ट होता है वैसे वैसे चीज किस तरह से दिख रहा है। अच्छे से तेल झाड़ के या तो हम टिश्यू पे निकाल लेंगे या प्लेट में निकाल लेंगे।
और कॉर्नफ्लोर के घोल को आपको हर बार अच्छे से घोलना होगा, क्योंकि जैसे ही 2 मिनट के लिए घोल को छोड़ देते ना तो नीचे जाके वो जम जाता है, इसलिए हर बार हमें इसको घोल को अच्छे से घोलना होगा और उसके बाद में डालने होंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे क्रोकेट्स बन करके तैयार हो गए हैं। किसी भी बच्चों की या छोटी मोटी पार्टी के लिए हम झटपट स्वीट कॉर्न चीज के चीजी क्रोकेट्स बना करके सर्व कर सकते हैं। हम किटी पार्टी कर रहे हैं या कोई भी पार्टी है, चीज के साथ ऊपर से चीज और अपने पसंद की खट्टी मीठी चटनी या सॉस के साथ इन्हें सर्व कीजिए। बहुत ही अच्छे हमारे क्रोकेट्स बनकर के ये तैयार होते हैं फ्रेंड्स, और झटपट भी बन जाते हैं। तो आप ये बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।